अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर इस तार से रूही को करंट लगा तो रूही ठीक कैसे हो गई? इस तार से करंट लगता भी है या नहीं? करंट लगा? क्या लगा तुम्हें कि तुम उस कार्गो पैंट में नाड़े की जगह तार डालकर मुझे करंट दे दोगी? और मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी? अग्नि, पीठ पीछे वार करके खुद को कायर क्यों साबित कर रही हो? हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो, अपने आप ही साबित हो जाएगा कौन किससे बेहतर है। बेहतर तो मैं तुमसे हूं ही रूही, और रही बात इस कंपटीशन की, तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हर परिवार से सिर्फ एक ही इंसान हिस्सा ले सकता है और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। खबरदार रूही। अग्नि, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा मत करो, पहली बार तो ये बात तुम्हारे फायदे की है। अब देखो, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, मतलब तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हो। तुम अपने परिवार के नाम से हिस्सा ले लो ना। तो ठीक है रूही, मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगी और तुम्हें ये साबित कर दूंगी कि इस परिवार और नाहर के लायक सिर्फ और सिर्फ मैं। क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही इस कॉम्पिटिशन में। वो तो वक्त ही बताएगा। रूही, मेरी और मेरे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें किसी भी हालत में ये कॉम्पिटिशन जीतना होगा। जी दादी जी। सुमित्रा बहन जी आ गई। जो कुछ भी हो, कॉम्पिटिशन तो मेरी बहू प्रीति ही जीतेगी। लीजिए। क्या है ये? लिस्ट है उन कामों की जो आपको मेरे यहाँ पर नौकर बनके करने हैं। कौन किसका नौकर बनेगा ये तो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। रोहित, रोहित, मैं जानता हूँ दादी ने तुम पर जीत का बहुत दबाव डाल रखा है, लेकिन तुम प्लीज प्रेशर मत लो। तुम बस अपना बेस्ट दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ओके,
कैसे प्रेशर डालूं ना जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कभी लगता है मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी, फिर मुझे लगता है अगर मैं हार गई तो दादी जी को नौकर बनकर रहना पड़ेगा, और ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। दादी जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, कहीं वो मुझे घर से ही ना निकाल दे। चुप रहो तुम, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नारजी ये थिंक बिलीव अचीव, थिंक अच्छा सोचो, बिलीव खुद पर यकीन करो, एंड अचीव उसे पूरा करो। जीत तुम्हारी होगी रोहित, ऑल द बेस्ट रोहित। थैंक यू राज, ऑल द बेस्ट मामी। थैंक यू बेटा। चलो आज देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका फॉर द सुपर वुमन कॉन्टेस्ट ऑफ जयपुर 2024। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सुंदर कॉन्टेस्टेंट्स को। तो मैं सभी का एक एक करके नाम लेने वाली हूँ, एंड मे आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आरती शर्मा को, आर फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट ऑन स्टेज। हमारी दूसरी कॉन्टेस्टेंट जो है वो है मैत्री महेश्वरी। हमारी तीसरी कॉन्टेस्टेंट जो है वो है प्रीति अग्रवाल। हमारी फोर्थ कॉन्टेस्टेंट है रितिका पॉल। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी रूही नाहर गोयनका को। और हमारी आखिरी कॉन्टेस्टेंट जो है वो है अग्नि राठौर। तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले रही हो क्या? हाँ दादी। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ साबित करना है। हमारे सारे सुंदर और प्यारी कॉन्टेस्टेंट आ चुके हैं आपके सामने मंच पर, और इनमें से इस साल कौन बनने वाली है सुपर वुमन ऑफ जयपुर 2024, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद है दो महारथी जजेस। एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो ये प्रतियोगिता जो है ये है नारी शक्ति, उनकी दृढ़ता, उनकी समझ और उनकी भावुकता को, ये सारी खूबियां जो हमारे सामने पेश करेंगी, और उसके साथ साथ ये सारी कसौटियों को जो पार कर पाएंगी वही बनेंगी सुपर वुमन ऑफ जयपुर 2024। इस कंपटीशन में 3 राउंड्स होंगे, और इन 3 राउंड्स में सबसे पहला राउंड जो हम शुरू करने वाले हैं आज वो है बेस्ट ड्रेस सुपर वुमन का राउंड। हमारे पास ये बोल में कुछ चिप्स है, तो यहाँ पे जो कॉन्टेस्टेंट्स है वो अपने हाथों से ये सारे चिप्स उठाने वाली है, और इन चिप्स में जो भी लिखा होगा उनको वैसे ही तैयार होके हमारे सामने आना होगा। जो सबसे खूबसूरत लगेंगी, बेस्ट ड्रेस लगेंगी, वही जीत जाएंगी ये वाला पहला राउंड। तो आप सब कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे पहले राउंड के लिए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।